बिकॉज मुझे 27 ईयर्स हुए काम करते हुए, थोड़ा फिल्म्स और सिटी टूर्स की का है मेरे पास, सो इतना एक्सपीरियंस है. एंड आई हैव गॉट टीम्स एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क, सो वी हैव गॉट टीम्स इन अदर सिटीज, एवरी सिटी, एंड दैट इज़ वाई यस इट इज़ पॉसिबल. या आई एम ऑफ कोर्स आई हैव अबाउट 65 सेलेब्स ऑन बोर्ड, 65 सेलेब्स ऑन बोर्ड, एंड वील बी शोकेसिंग दिस एट गाना साउथ अफ्रीका में, बिकॉज देर इज समथिंग वी आर इन टॉक्स विद. So that is it. मेरा तहे दिल से my heartiest congratulations to Mr. Ayub Khan. वो इतना अच्छा event ला रहे हैं कि music, fashion, fashion के इतने सारे लोग, it's such a great amalgamation of so many people coming together, you know. Music is such a vast industry, लेकिन music की हर industry से, music के हर part में से, हर हिस्से में से इतने ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, and इतने सारे लोगों को मौका मिल रहा है, you know, इतने सारे non celebrities, non actors को मौका मिलेगा ताकि वो limelight में आएँ और अपना talent दिखाएँ. I'm very excited because of course fashion related something which is really, you know, exciting to see. And I just want to wish them all the best. I think it's a great platform for all the people, all the young stars, you know, who has been like trying to get into this platform. I think it's a great thing for them. बधाई देना चाहता हूँ और जो इसके इंडियन फेस्टा के ऑर्गेनाइजर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. थैंक यू. आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज क्या है ना कि राहुल भाई जो हैं वो अब भाई बोल दिया तो भाई हैं, तो उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है. आई मीन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, अलग अलग टैलेंट्स को यू नो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एंड आई एम द फर्स्ट टू सपोर्ट हिम, सो आई एम हियर. मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे दोस्त होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाएगा और देखेंगे कि आज रात जो है कहाँ लेकर जाती है. बहुत बढ़िया, जिसका ये अनाउंस किया है इन्होंने, आज लॉन्च है इसका यहाँ ड्रैगन में, सो ये बहुत ही अच्छी बात है. जो नए लोग हैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, सो ये सबको सपोर्ट कर रहे हैं. सो मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस. अपकमिंग मेरा जो है स्पीड रिकॉर्ड से अभी गाना आ रहा है, सा मेरे स्टोरी को सॉन्ग, जो जिसमें मॉडल है अर्शी खान, बिग बॉस वाली, आपने देखा ही होगा. सो बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा, ये मैं पहली बार आज अनाउंस कर रहा हूँ. सो आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स, ऐसे आप प्यार भरते रहो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन फेस्टा को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट एंड हंट हुए हैं जिसमें हर एक फील्ड को, कैटेगरी को सेपरेट सेपरेट रखा जाता है, बट यहाँ पे जो उन्होंने 5 अलग अलग और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स को टुगेदर एक बार इकट्ठा करके एक लॉन्च किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम. सेकेंडली लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टैलेंट, जितने भी लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा एक तरीका है, जिससे कि वो एक कोप अप कर पाएंगे इंडस्ट्री के साथ. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टैलेंट लोगों की कदर करनी चाहिए, और टैलेंट कोई एक दिन में तो आता नहीं है, इसके लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पूरी जर्नी है आर्टिस्टों की, और एक आर्टिस्ट आकर के अपने आप को पेश करता है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ. आई थिंक हमारे पास ऐसे और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. आई मीन इट्स अ ग्रेट डील कि 80 कंट्रीज़ में जाके आप टैलेंट ढूंढ के ला रहे हो, एंड गिविंग देम अ चांस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको कभी चांस भी नहीं मिलता है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो बेसिकली आई एम हियर फॉर मिस्टर राहुल रॉय, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट ही इज़ टेकन टू हेल्प द यंग टैलेंट in our country, and a platform that he's trying to provide. So I'm just here to encourage that, and aisi bahut sari cheeze hongi jo aapko iske bare mein aage pata chalengi, mujhe bhi pata chalengi, and I think he's a great man, a gentleman, and the thought that he has right now about this Indian fiesta, I think it should rock, and my best wishes with him, and what the vision that he has, I hope झंडे गाड़ दे ये भी विजन उनकी. कुछ चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ. इंडियन फिएस्टा जो है ये आइडिया अयूब का है, जो ये लोग आ रहे हैं और मेरे साथ डिस्कशन में रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है. तो मेरी खुशनसीबी है कि जो मैं अयूब के साथ बात कर रहा हूँ कि हमारी विचारधारा सेम है, क्योंकि ऐसे तो कई
शोज़ हैं, कई स्टेज परफॉर्मेंसेज होते हैं जो हर जगह किया जा रहा है, और बहुत लोगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ये जीतेंगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. इन रियलिटी ये सब करना बहुत मुश्किल होता है. और मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फॉर 29 ईयर्स, और मुझे, मैं गर्व से कहता हूँ, मैंने बहुत ऊंचाई देखी है. मैं गिर गया, मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ, और ऐसे मेरे तरह कई एक्टर्स हैं. ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे टेक्नीशियंस का हो. अगर आप हार नहीं मानोगे और आप काम करते रहोगे, यू विल, और टैलेंट है तो वो टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता है. तो ये मंच जो है फॉर सुपर मॉडल्स, मिसेस सुपर मॉडल्स, रैपर्स, बैंड्स एंड सिंगर्स, हम लोग 80 सिटीज से 16 सिटीज़ में हम लोग लोगों को बुलाएंगे जो फाइनल किए जाएंगे. वहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, फर्दर डिस्टिल किया जाएगा. इन कंटेस्टेंट से एक बात मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है टू एंटर दिस कॉन्टेस्ट. देर इज़ नो फी. तो ये प्योरली टैलेंट पे होने वाला है. और जो जूरी है, आज की शाम आई एम फॉर्चुनेट कि जो लोग कलाकार लोग आए हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, इन्होंने खुद अपनी मेहनत से नाम कमाया है और कर रहे हैं ये, बट दे आर फ्रेंड्स. और इन सब की विचारधारा यही है, क्योंकि हर इनमें से हर कलाकार ने स्ट्रगल किया है. कोई चीज़ प्लेटर में नहीं दी गई है, किसी को मिला नहीं है कि ऐसे बन गए हैं. एंड दे कंटिन्यू एवरी डे टू फाइट टू बी दैट पर्सन एंड टू ग्रो मोर. तो हमारी कोशिश है कि इंडियन फिएस्टा जो है इवेंचुअली एक ऐसा ब्रांड हो और इनकरेज करे लोगों को, छोटे शहरों से हो या कहीं से भी हो, इट डज़ नॉट मैटर कि आपके पेरेंट्स कौन हैं या क्या हैं, टैलेंट है, आओ स्टेज पे दिखाओ उस चीज़ को, एंड वी विल लाइक टू इनकरेज इट अगर आप में वो दम है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग. जी, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ यही बनता है कि हमें जो भी मिलता है हम गाना चाहते हैं. तो आई थिंक रिसेंटली जो गाना मेरे पास आया सजदा करूँ, तो वो एक्चुअली क्योंकि आर्टिस्ट बैन हुए थे बाहर के, तो वो गाना मुझे मिला है. तो आई थिंक वो गाने का रीज़न यही है कि अनुराग जी, जो जी म्यूज़िक के हमारे मेन हैं, अनुराग जी ने मुझे वो गाना ऑफर किया था. तो मुझे पता भी नहीं था कि गाना एक्चुअली किसी ने ऑलरेडी गाया हुआ था पहले. और जैसे ही मुझे गाना ऑफर हुआ, तो मैं बहुत, मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है. और गाना मुझे बहुत पसंद आया, मैंने गाया, अब लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसे और चांसेस मिलने वाले हैं. एक्चुअली ज़्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या होता है, कैसे बैन हुए, एक्चुअली चीज़ें हुई है क्योंकि हमारे इंडिया का रूल है और हमारे जो भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के, और हमें मौका मिल रहा है और इंडिया के सबको मौका मिलेगा, तो शायद मैं तो बहुत खुश होऊंगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हर एक आर्टिस्ट को मौका मिले, क्योंकि इंडिया में बहुत आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और सबको मौका मिलना चाहिए. सो जो भी हो रहा है, आई थिंक देखिए अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते, बट मैं तो चाहूँगा कि सारे आर्टिस्ट को चांस मिले. जैसे मेरे ऐसे आर्टिस्ट को चांस मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ. दोस्त हैं, एक्टर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और अभी रिसेंटली वोग मैगजीन में भी इनको बहुत अच्छे तरीके से फीचर किया गया है. एंड इनका यहाँ आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बिकॉज अगर कोई समझे कि स्ट्रगल क्या होता है, तो शायद इवांका से ज़्यादा कोई जानता नहीं है. शी हैज़ ऑल्सो हैड टू स्ट्रगल अलॉट. बट ये इंडियन फिएस्टा जो है, आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट एंड आई एम ग्रेटफुल दैट समबडी लाइक हर इज स्टैंडिंग देयर विद मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव हर दैट प्लेटफॉर्म टू डू व्हाट शी एंजॉयज, वेदर इज डांसिंग और वट एवर इज देयर. बट शी इज़ अ स्टाइल आईकॉन एज फार एज आई एम कंसर्न. और कुछ शब्द मैं चाहता हूँ कि इवांका आप सब लोगों तक पहुँचाए और आप समझें कि ये कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट हिम दैट इज़ अमेजिंग गाय. बचपन के क्रश थे मेरे तो, बट अनफॉर्चुनेटली वी मेट सम ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द सम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वेन आई मेट हिम ही हैज़ लाइक अमेजिंग पॉजिटिव गुड वाइब्स. और इनसे एक चीज़ है जो आने वाली पीढ़ी या कोई भी हो जो नए स्ट्रगल है, स्ट्रगलर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं चाहे तो इज़ अमेजिंग. तो जब मैं इनके साथ शूट की थी, मुझे लगा था कि मैं उनको गाइड करूं, मुझे लगा उल्टा मुझे कुछ सीखने को मिली इनसे.
और दूसरी बात इज़ अमेजिंग अमेजिंग आई रियली डोंट हैव सच वर्ड्स अबाउट टू लाइक कि मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े और मैं शिद्दत से बहुत उन्हें सम्मान देती हूँ तो मेरे पास है नहीं छोटे होते सो ज़्यादा बोलूँगी नहीं और ज़्यादा मैं आपके टाइम लूँगी नहीं तो मैं आपको ये ही बोलूँगी हमारी इंडस्ट्री में जेंडर इतने प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ ना करे तो अच्छी बात है एवरीबडी हैज़ देयर ओन ऑरा पॉजिटिव वाइब्स मोर टैलेंट्स तो आई थिंक हमें उसको जगह देनी चाहिए और इज़ द वन लाइक बिना सोचे मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का मैं एक ही फ़ोटोशूट की थी बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों को आगे वाले में मैं चाहती हूँ ये मैसेज आप सबको दें और बोलें कि हमारे पास भी टैलेंट है हमें मौका दीजिए और आगे की बात सोचिए